आज की सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली या फिर हाउ टू डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट। इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट फिर भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा तरीका सबसे अलग और यूनिक है। इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट या फिर टेम्पररी डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा, यह आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों में सेम ही प्रोसेस होगा। सो डजंट मैटर आपके पास कौन सा डिवाइस है, क्योंकि प्रोसेस दोनों में एक ही रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सिर्फ एक ही क्लिक में, इतना आसान प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक क्लिक में इंस्टाग्राम अकाउंट को आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो या फिर टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम का मल्टीपल अकाउंट है और आप उस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। आप जो भी डिवाइस यूज करते हो उसमें आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, एंड उसके बाद आपको नीचे सर्च पे क्लिक करना है, और इसमें आपको सर्च करना है द अमन सक्सेना। स्पेलिंग आप देख लो, जब आप ये सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मुझे मैसेज करना है डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक। जब आप ये मैसेज करोगे तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना है क्रोम, उसके बाद आपको जस्ट वन या ऑलवेज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट गूगल क्रोम में लॉगिन नहीं होगा तो उसको आप लॉगिन कर लेना, आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो वो आप लॉगिन कर लेना। इस प्रोसेस को आप एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में, दोनों में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपको डिलीट योर अकाउंट में रीजन देना पड़ेगा, किस रीजन के वजह से आप यहाँ पे अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करके आप यहां से रीजन सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी जो भी आपका रीजन होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड देना है, तो जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड होगा वो आप देना, एंड उसके बाद आप यहां पे क्लिक करना, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो देखा आपने मैंने कितना आसान प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, कोई माथा पच्ची वाला काम इसमें नहीं है, बहुत ही ईजी मैंने आप लोग को प्रोसेस बताया है। और इस प्रोसेस को आप एंड्रॉयड फोन में भी यूज कर सकते हो, आईफोन में भी यूज कर सकते हो, बट मैंने जो भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे देखा है उसमें एंड्रॉयड के लिए अलग प्रोसेस बताया है और आईफोन के लिए अलग प्रोसेस बताया है, लेकिन मैं आपको दोनों डिवाइस के लिए एक ही प्रोसेस बता रहा हूं और दोनों डिवाइस में ये प्रोसेस काम करेगा ही करेगा 100%। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए भी आपको बस इंस्टाग्राम ओपन करना है, और यहाँ पर आपको मैसेज करना है डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक। फिर यहाँ पर भी आपको इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने का लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, एंड इसको भी आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है। फिर यहाँ पे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना, और अगर लॉगिन है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा इंटरफेस, तो यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रीजन से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं टेम्पररी 7 दिन 8 दिन के लिए, तो आप रीजन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे पासवर्ड देना, एंड उसके बाद टेम्पररी डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना। तो मैं अभी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये प्रोसेस को आपको आगे बढ़ा करके नहीं दिखा सकता हूँ। बस आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे और टेम्पररी डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, किसी को भी आपका यूजर नेम, आपका प्रोफाइल, ये सब कुछ 7 दिन के लिए नहीं दिखेगा। तो ये दो प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हो, हमेशा के लिए कैसे आप डिलीट कर सकते हो, और टेम्पररी कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया हो और इजी लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आसान प्रोसेस के साथ मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसको आप देख के अलग और कुछ यूनिक सीख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।